गुम है किसी के प्यार में सीरियल को लेकर बहुत अच्छी खबर आपको सुनने को मिलने वाली है। सीरियल में इस समय अर्श ने रजत को यह बता दिया है कि सई उसकी बेटी है, जिस वजह से रजत काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहा है। लेकिन अब सीरियल में रजत और सभी की जिंदगी में काफी अच्छी चीज होने वाली है और ये अच्छी चीज सभी की वजह से होती नजर आएगी और जो सब सामने आएगा उसका बुरा असर अर्श और आशिका की जिंदगी पर पड़ने वाला है और उसी के बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। सीरियल में आपने देखा होगा कि कैसे अर्श रजत के पास बार बार जाता है और रजत को यह एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि सई उसकी और आशिका की बेटी है और रजत को यह भी एहसास दिलाता है कि उसने उससे उसकी बीवी और उसके बच्चे को सब कुछ को छीन लिया है और अर्श की बातें रजत पर असर भी डाल रही है, जिस वजह से आपने देखा होगा कि रजत काफी ज्यादा ड्रिंक करने लग गया है और अब तो सई के मन में भी इस तरह की बातें डाल रहा है कि वो रजत की बेटी नहीं है और इन सारी चीजों से सभी अनजान है। लेकिन अब आप सीरियल में देखेंगे कि इस बारे में सभी को पता चल जाएगा और जब सभी को पता चलेगा तभी असली सच सामने आएगा। दरअसल सीरियल में अर्श इस गलतफहमी में जी रहा है कि सई उसकी बेटी है क्योंकि आशिका ने अर्श को यही बताया है। लेकिन अब इस सीरियल में देखेंगे कि सभी डीएनए टेस्ट के जरिए प्रूव कर दे कि सई और किसी की नहीं रजत और आशिका की बेटी है और जब ये सच अर्श के सामने आएगा तब सीरियल में अर्श और आशिका के बीच काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती नजर आएगी। आप सभी और रजत की जोड़ी को पसंद करते हैं या नहीं कमेंट में आप जरूर बताएं और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह इस टीवी सीरियल से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।